विधान परिषद मतगणना में मुजफ्फरपुर के रुझान आने शुरू हो गए हैं और प्रथम रुझान जो आया है उसमें जेडीयू के दिनेश प्रसाद सिंह आगे चल रहे हैं और मतों का अंतर भी काफ़ी ज़्यादा है। दिनेश प्रसाद सिंह 3 बार से MLC हैं, उम्मीद जताई जा रही थी कि दिनेश सिंह की 4थी बार भी जीत हो सकती है, क्योंकि मत का जो प्रतिशत है 99.49% हुआ है। आप देख सकते हैं दिनेश सिंह के परिवार के लोग भी मतगणना स्थल पर आ चुके हैं, उनकी बेटी कोमल सिंह भी चुनाव लड़ चुकी हैं। क्या कहेंगे में तो आगे है, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, जैसा हम लगातार बोल रहे थे कि सब लोग का आशीर्वाद मेरे पापा को मिल रहा है, वो आशीर्वाद आज भरपूर मात्रा में दिख रहा है। हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी के लोग बढ़ चढ़ के उनके साथ खड़े थे, जो आज ये सबके सामने दिख रहा है लोगों को। भारी मतों से, हर बार की तरह मुझे लगता है इस बार उससे भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उससे भी बड़ी मात्रा के रिकॉर्ड में। तो आप देख सकते हैं दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह है काफी खुश दिख रही है और इनका कहना है कि पिछली बार से ज्यादा मतों से जेपीराजिया ने दिनेश प्रसाद सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनकी जीत होगी। इसकी उम्मीद भी थी कि एक तरफा वोटिंग हुआ है और सबसे ज्यादा चूंकि 99.49% वोटिंग हुआ है तो मुजफ्फरपुर विधान परिषद मतगणना में जो प्रथम रुझान आए हैं उसमें जेडीयू के दिनेश प्रसाद सिंह आगे चल रहे हैं और 1 से 1.5 घंटा में क्लियर हो जाएगा, यानी मुजफ्फरपुर का परिणाम 1 से 1.5 घंटा में आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।